हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास। टुडे वी लर्न आवर लेसन नंबर 3, यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, नाउ डेज कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। ये आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप घर में कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, स्कूल्स में यूज़ करते हो, बैंक्स में, ऑफिसेज में। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी जगह हैं जिस पे आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, ताकि जो भी आपका काम है वो अच्छे तरीके से और फास्टली हो जाए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला मैंने आपको अभी बता ही दिया कि कहाँ कहाँ पे आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो। तो आप घर पे कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो, जहाँ तो आप गेम्स को प्ले करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे एक देखो बच्चा गेम खेल रहा है, तो आप गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई मूवी देखनी है या कोई सॉन्ग सुनना है, तो आप उसके लिए कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ पेपर प्रिंट करनी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी गेम्स देखनी है, या फिर कार्टून्स देखनी है, तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि ये बच्चे गेम्स देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। देन दिस पिक्चर इज़ गिवन, तो इस पिक्चर को आपने अपने फेवरेट कलर के साथ कलर करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वाली पिक्चर इस नंबर पेज पे है, पेज नंबर 17 पे है। तो इस वाली पिक्चर को आपने जो भी आपका फेवरेट कलर है उसके साथ आपने इसको कलरफिल करना है इसमें। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आप अपने स्कूल्स में कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हो, या फिर आप अपनी देखो गेम्स तो आप घर पे भी खेलते हो और स्कूल्स में भी खेलते हो, उसके अलावा आप स्कूल्स में इसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हो, या फिर आपने कुछ कैलकुलेशंस है जो आप से नहीं हो रही तो आप वो कंप्यूटर में करते हो। अगर आपने कोई पेंटिंग बनानी है या कोई ड्राइंग करनी है, तो वो भी आप कंप्यूटर में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक। बैंक में क्या करते हो, अगर आपने अपनी सेविंग्स हैं, मीन्स दैट कि आपने अपने पैसे हैं, जो आपकी जो मनी होती है, ठीक है, आप उसको बैंक में सेव करते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यहाँ से निकाल भी सकते हो, तो उसके लिए आप बैंक में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हो। ठीक है, देन इन ऑफिसेज, ऑफिसेज में आप कंप्यूटर को देखो, ये वाले ऑफिसेज में कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आप अपनी कुछ लेटर्स टाइप कर सको, कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सको। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे पर्पसेस होते हैं जिसके लिए आप कंप्यूटर को यूज़ करोगे। देन रेलवेज एंड एयरलाइन ऑफिसेज में आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो, ताकि आप अपनी जो टिकट्स होती हैं रेलवे की या एयरलाइन की, आप उसको बुक कर सकें। ठीक है, और उसकी टाइमिंग चेक कर सकें, उसके लिए आप इसमें इनमें कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज़ करते हो, जब आप डॉक्टर्स के पास अपनी मेडिसिन लेने जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप, ताकि डॉक्टर्स आपके जो बीमारी है उसका सभी रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव कर सकें, उसके लिए आप हॉस्पिटल में कंप्यूटर को यूज़ करोगे। यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 3, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्लीट हो गया। ग्लॉसरी आपने खुद रीड करनी है। देन एक्सरसाइज, यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स हैं, तो सभी बच्चों ने ऐसे ही बुक्स कंप्लीट करनी है। हाउ आर कंप्यूटर यूज्ड इन होम्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम टू प्ले गेम्स, वॉच कार्टून्स एक्सेट्रा। हाउ आर कंप्यूटर यूज्ड इन स्कूल्स, इन स्कूल्स कंप्यूटर आर यूज्ड टू मेक कैलकुलेशंस एंड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इन बैंक, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड थ्रू द कंप्यूटर। डू रेलवे एंड एयरलाइंस ऑफिसेज आर यूज़ कंप्यूटर, यस, रेलवे एंड एयरलाइन ऑफिसेज यूज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स है, यहाँ पे अपने टिक भी करने और फिल भी करनी है। कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिसेज फॉर टाइपिंग, वी रिजर्व अवर ट्रेन टिकट्स थ्रू कंप्यूटर, डॉक्टर स्टडी अबाउट डिसीजेज ऑन कंप्यूटर, वी वॉच मूवी ऑन कंप्यूटर,
चिल्ड्रन मेक पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर, देन ट्रू फॉल्स हैं, कंप्यूटर आर यूज्ड ओनली इन फ्यू फील्ड, फॉल्स, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है। द कंप्यूटर्स कैन नॉट मेक कैलकुलेशंस, फॉल्स, वी कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन कंप्यूटर, ट्रू, बैंक्स आर प्लेसेस वेयर वी सेल आवर गुड्स, फॉल्स, वी कैन नॉट सी मूवीज ऑन कंप्यूटर्स, फॉल्स, यहाँ पे आपकी मैचिंग्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको मैच करके रखी है, जो बैंक्स हैं, जो आपकी जो बैंक्स हैं उसको बी के साथ मैच करना है, हॉस्पिटल को सी के साथ, स्कूल्स को डी के साथ, रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसर्स को ई के साथ, होम्स को आपने ए के साथ मैच करना है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी गुड हैंड राइटिंग में बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों कंप्लीट करनी है। नोटबुक्स पे ओनली क्वेश्चन आंसर ही राइट करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अच्छी सी हैंड राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।